इंडिया असम दारंगे वैक्सीन सूना तंखाना जाहा माना सेन्ट्रल गवर्नमेंट सकान थी वैक्सीन फ्री सूआ लंग ने सालो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रेस रिजो फाराकसीनेशन ने खाम को पार्सेन कोलग्रृग बोा आदब सरकारी फाकुआ कुम कोबा सेन्ट्रल गवर्नमेंट खास खेन नेबा उत जून जनग्रेक सा तारीख युगा दिवस को मानिया सालों सेन्ट्रल गवर्नमेंट बलसी छिषेटना बदकप्पा मंदिर फ्री सू छा आदि सरकारी रंग को पाकआतन वैक्सीन धारेबा कंपनी रंगना सेंट्रल गवर्नमेंट सेवेंटी फाइव पार्सेंट तंखा रंग को गम्मी आदब सरकारी ना उनगे उन्नी दाउदपेट वैक्सीन ब्रे नागा आदब सरकारी तंका गो सबा खरस खाना नाजाहा साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी ये व्यवस्था आने वाले दो सप्ताह में लागू की जाएगी इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी संयोग है कि दो सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा उन जी मंदिर कोरोना टीका को फ्री सुनाम जायें वह मंगवा प्राइवेट हॉस्पिटलों ने खोरोना ने प्रेस रिलीज़ो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहा जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए ये व्यवस्था जारी रहेगी प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे আসং মন্দিরা টিকা ফ্রী অননাগ্রীবা ছা বস্তুরা ফ্রী অনগেন ইন্ডিয়া প্রাইম মিনিটার নরেন্দ্র মোদী প্রেস রিলিজাতা করোনা সাবি না লকডাউন অংন আসং বঙ্গামন্দিরাং ছা আং ব্রি নাগাঁা থাকা পাইসার দৌংগান ছা রঙা গ্রী তুসি না করোনা সাবিসে স্কাপা ওয়েব ও আসমি ক ক্রোর সচ্ছেত নাপাত মন্দিরনা প্রধান মন্ত্রী গরিব কল্যাণ অনয় ইজনা স্কিম নিগে ছা আী সুয়াল সুয়ালবা হা আপসানদাকি ই বল্সিবা মে আর জুন জাগম ছা রাংিন অননা সানিয়ম উন্বা সরকারি গতাল দাকে প্রধান মন্ত্রী গারিব কল্যাণ অনয় ইউজনা স্কিম ক মখান দীপাবলিওনা রা দা সানী উনি আগানা গতা দি মেখান হাজারগোী ক ক কলক্রা বল্সী নভেম্বর যা অ খ্রোর সত্য বাতে মানজির জাহানীন নাগাগেতা ছা আী রাংিন সুয়ালাগিন असुनी पलक मंदिरंग बक्सा सरकारी रिपिंग गता से मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फरक देशवासियों टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आठ महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा